आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेटेक्स में हम फिगर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंगल कॉलम में कैसे हम उसको टू कॉलम्स पे स्पैन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सब फिगर्स क्या है, सब फिगर्स को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, सब फिगर को वन कॉलम में या टू कॉलम में कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, सब फिगर्स की कैप्शन कैसे इंसर्ट करेंगे। और समटाइम्स रिसर्चर्स को जरूर पेश आ सकती है कि आप फिगर्स को टेबल की फॉर्म में शो करना है, टेबल में इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह है कि फिगर लेटेक्स में हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया हुआ, तो यहाँ पे एक इमेज शो किया गया है और इस इमेज को हमने लेटेक्स में इंसर्ट किया है। अब इस इमेज को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, इसका फॉन्ट साइज, इसका साइज, विड्थ हाइट कैसे सेट की जा सकती है, इसकी कैप्शन कैसे दी जा सकती है, इसको विद इन द टेक्स्ट कैसे रेफर किया जा सकता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हम इसमें ओवरलीफ का एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं ताकि हमें साथ साथ उसकी आउटपुट शो होती है। सबसे पहले ये इसमें ज्यादातर रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया गया, तो हम अपने जो फिगर का कोड है हम सिर्फ उस पर आते हैं। तो फिगर इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपको बिगिन फिगर और एंड फिगर का टैग यूज करना पड़ेगा। मैं बाकी खत्म कर रहा हूँ फिलहाल। और बिगिन फिगर और एंड फिगर के दरमियान आपको इंक्लूड ग्राफिक्स यूज करना पड़ेगा। बिगिन और एंड में आपको यूज करना है तो ग्राफिक्स का, अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए ग्राफिक्स का पैकेज यूज करें। अब इसमें सेंटरिंग का एनवायरमेंट यूज किया है। सेंटरिंग मीन के फिगर जो है टेक्स्ट उसके कॉलम है या टेक्स्ट टू कॉलम है या वन कॉलम है उसके सेंटर में है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और इसके साथ ही मैं इसका फिगर की टेक्स्ट वेट भी खत्म कर रहा हूं। तो अब सिंपल से सिंपल फिगर आपने इंसर्ट करनी है तो फिगर का एनवायरमेंट बिगिन फिगर और एंड फिगर, और इसमें आप यूज करेंगे इंक्लूड ग्राफिक्स, और जो आपने इमेज इंसर्ट करना है उसका नाम यहां पे आप दे देंगे, पाथ दे देंगे, रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ आप यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहां पे मैंने KFDP1 फिगर यूज की है, और इसके साथ आप यहां पे .jpg एक्सटेंशन यूज किया। आप एक्सटेंशन ना यूज करें अगर आपके पास EPS फॉर्मेट में आपका यूज करना है तो आप ऑटोमेटिकली उसको EPS फॉर्मेट की पिक्चर लोड कर लेगा। अगर PNG की है तो PNG की, तो नॉर्मली यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं कि इसमें हम इसकी एक्सटेंशन ना दें। फिगर की कोई भी कैप्शन नहीं है जो फिगर के नीचे आ रही है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फिगर आ रही है। तो अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे इस तरह, यहाँ पे हमारे पास सैंपल फिगर नीचे लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कैप्शन के थ्रू। तो कैप्शन में सैंपल या इसकी जगह मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल फिगर, तो इसको मैं सेव करता हूं। तो सेव करने के साथ ही हमारे पास यहाँ पे उसकी आउटपुट जो है यहां पे हमारे पास शो हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो भी फिगर की कैप्शन या लोगो होगा वो उसके लिहाज से आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे हमने सेंटरिंग का एनवायरनमेंट खत्म किया था कि वो सेंटर में ना आए, तो उसके उसका ओरिजिनल साइज जो पिक्चर का था वो उसके लिहाज से यहां पे शो। अब इसको हम साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ पे इसको शो करवाना है उसको कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेंटर में करते हैं, सेंटरिंग का एनवायरनमेंट यूज करते हैं। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूं तो फिगर जो है कंपाइल होके सेंटर में आ गई, लेकिन अभी पिक्चर जो है हमारे पास विजिबल नहीं है क्योंकि ये इसका साइज काफी स्मॉल है। तो हम इसका साइज शो करना है यूज करना है तो उसके लिए स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट्स में हम विड्थ यूज कर लेते हैं, विड्थ इज इक्वल टू
दो तरह से यूज कर सकते हैं, रिलेटिव यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज कर सकते हैं। अभी फर्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ 2 cm, यानी कि पिक्चर का साइज जो है हमारे पास 2 cm होगा तो उसको शो कर। अब इसको अगर मैं विड्थ को 7 cm कर देता हूँ तो उसके लिहाज से पिक्चर का साइज जो है इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से हम इसको पिक्चर के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये था कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहे हैं। अगर हम रिलेटिव देना चाहेंगे टोटल टैक्स वेट का, ये 80% पे आ जाए, 90% पे आ जाए, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल टैक्स वेट के लिहाज से करता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट विड्थ लिख देता हूँ। तो अब ये जितनी टेक्स्ट की विड्थ होगी उसके लिहाज से उसमें उस पोर्शन में इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स चला रहे। तो इसका हल ये है कि हम इसको बिल्फर्ज कहते हैं कि ये टेक्स्ट का 0.7% यानी कि 70% रिड्यूस होके वो उसको टेक्स्ट विड्थ का उसमें इंसर्ट हो जाए, तो अभी भी ये इससे बाहर आ रहा है। तो इसको मैं मजीद छोटा कर लेता हूँ 0.48, क्योंकि टोटल 2 कॉलम है तो वो 100% होगा, तो उसमें एक कॉलम के साइज 50%, दूसरा भी 50%, तो मैं 0.48 कर रहा हूँ, यानी कि 48% जो है उसके लिहाज से उसका साइज। तो अब ये उसके विद इन द मार्जिन्स या विद इन द कॉलम हमारे पास आ गए। अब इस फिगर को हम दो तरीके से इसको हम टेक्स्ट में रेफर करना हो तो टेक्स्ट में रेफर करने के लिए हमारे पास है कि जो लेबल में दिया होगा फिगर वन बिफर्स है, तो फिगर रैप फिगर वन यानी कि जो यहाँ पे लेबल दिया हुआ है हम उसके लिहाज से इसको टेक्स्ट में रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर, आगे रेफ यानी कि फिगर को रेफरेंस करने के लिए जो लेबल था वो उसको यूज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर वन शो द सैंपल लोगो जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो वहां पे वो शो हो जाएगा सैंपल। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सैंपल इमेज, तो टेक्स्ट में कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिगर वन शोज सैंपल इमेज यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से है। अब इसी मजीद इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इसको टेक्स्ट में अगर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है कि तीन तरह की चीजें यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एच यूज कर सकते हैं फिगर एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब है कि फिगर जो है या इमेज जो है वो यहाँ पे हमने ये एनवायरनमेंट यूज किया वहां पे ही टेक्स्ट में शो हो। बाद हमारी रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट वो डिस्टॉर्ट हो जाता है तो यानी कि दरमियान में इमेज आ गया, तो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है यहाँ पे ना शो पेज के टॉप पे शो हो, तो वहां पे उसके लिए हम टी का टैग यूज करते हैं। अगर पेज के बॉटम के लिए यूज करना है तो बी का टैग यूज करते हैं। नॉर्मली हम एच टी वी यूज कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा उसका एनवायरमेंट फिगर फ्लोटिंग पॉइंट एनवायरमेंट तो यहाँ पे उसके बाद टॉप ऑप्शन देखे अदरवाइज बॉटम ऑप्शन देखे। हम इसको फोर्स भी कर सकते हैं, फोर्स करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है वहीं पे ही पिक्चर शो। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस इमेज को हम यहाँ पे ये एक कॉलम में शो हो रहा है, इसको हम दो कॉलम में शो करना चाह रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर हमने इसको दो कॉलम में शो करना है फॉर एग्जांपल, तो ये इमेज जो है दो कॉलम में शो हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कि इसमें हम उसके फिगर एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ फर्क ये आएगा कि हम स्टेरिक यूज कर देंगे। स्टेरिक का मतलब है कि ये ओवरराइड कर देगा, तो अब पिक्चर जो है हमारे पास जो यहाँ पे शो हो रही है तो ये अब टू कॉलम्स को स्पैन करके ये उसमें शो हो रही है। बाद में हमारे पास टेक्स्ट में फिगर्स इतनी रिहर्सल पेपर में थीसिस में रिपोर्ट्स में इतनी लेंथी होती है जो वो सिंगल कॉलम में हम उसको शो करेंगे तो वो काफी ज्यादा स्मॉल होगी, तो हम उसके लिए हम ये स्टैटिक फिगर एनवायरनमेंट के साथ यूज कर लेंगे तो वो वहां पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली
इसमें सिर्फ ये यूज किया स्टेरिक, तो उसके लिहाज से उसका इफेक्ट शो किया गया। सिमिलरली बाद हमारे पास टेक्स्ट में मल्टीपल फिगर्स होती हैं, तो हम उसको शो करना चाहेंगे, यानी कि दो तरह के रिजल्ट्स हैं, तीन तरह के रिजल्ट्स हैं, तो हम उसके सब फिगर्स बना लेते हैं। तो सब फिगर्स जिस तरह यहाँ पे शो की गई है कि एग्जाम्पल लोगो वन, एग्जाम्पल लोगो टू, तो इस तरह से हम इसको सब फिगर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सब फिगर के एनवायरमेंट को मैं यूज करता हूँ। सब फिगर को यूज करना है तो उसके लिए हम सब कैप्शन का एनवायरमेंट या पैकेज यूज किए हैं, सब पैक सब कैप्शन, और इसमें सबसे पहले मैं इन फिगर्स को वन कॉलम में लेके आता हूं, ताकि वन कॉलम में हम चेक कर लेंगे इसका साइज क्या है। इसको कंपाइल किया तो वन कॉलम में हमारे पास जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे फिगर थ्री, उसने ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट ने उसको एडजस्ट किया है, तो अब ये यहाँ पे आ रही है, सिंगल कॉलम में आ रही है। तो सिर्फ हमने यहाँ पे फिगर्स के साथ स्टैटिक खत्म किया है, तो वो हमारे पास यहाँ पे सिंगल कॉलम में ये फिगर जो है शो हो। अगर हम इसको टू कॉलम में करना चाहें तो हम इसके साथ फिगर के एनवायरमेंट के साथ स्टैटिक यूज कर लें, तो अब ये टू कॉलम में हमारे पास शो हो जाएगी। टू कॉलम यानी कि वो स्पैन हो जाएगी, पूरे पेज पे स्पैन होके इमेज जो है आपके पास शो हो जाएगी। अब सब फिगर्स कैसे इंसर्ट करेंगे? सब फिगर्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम बिगेन सब फिगर यूज करते हैं, और उसमें हम उसका साइज डिफाइन कर देते हैं कि एक फिगर का साइज जो है 0.48 लिखा है हमने, और लाइन वेथ के लिहाज से, उसके बाद ग्राफिक्स जो भी हमने इमेज यूज किया है उसका नाम लिख दिया है, और उसके बाद उसकी कैप्शन लिख दी है। अब ये जो कैप्शन है सब फिगर के अंदर, ये उसकी सब फिगर की कैप्शन है, ये टोटल फिगर की कैप्शन नहीं। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल लोगो वन लिखा है और दूसरे के लिए एग्जाम्पल लोगो टू लिखा है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम टेक्स्ट में रेफर करना हो तो हम इसके लिए लेबल यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिगर, इसी तरह फिलहाल फिगर इसको रेफर करने से पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा यूज करना है एच फिल है, जो उसको दरमियान में जितना साइज है उसको फिल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फिल कर यूज कर रहे हैं, और दूसरे को भी हम इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फिगर्स होंगी तो जितनी भी फिगर्स होंगी वन बाय वन हम यहाँ पे ऐसे ही इंसर्ट करते जाएंगे। तो चार फिगर्स हैं, पांच फिगर्स हैं, हम इसी तरह से उसको इंसर्ट करते थे। इनको अगर फिगर को रेफर करना हो कि इसको रेफर करना है तो रेफ, इसका नाम है हमारे पास फिगर थ्री, फिग थ्री लेबल है, शोज वन लोगो वन इमेज फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे ये यूज किया गया है इस तरह से फिगर, अब यहाँ पे वो लिखा आ रहा है फिगर थ्री ए शोज वन इमेज, तो हम इस तरह से इसको रेफर कर सकते हैं, यानी कि अब ये हमारे पास जो भी लेबल है उसको ए वन है, उसके अंदर सब फिगर वन है, तो ए दूसरी या बी उसी तरह से उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको फिगर्स के कैप्शंस करना चाह रहे हैं कि साथ इसके कैप्शन कुछ ना आए, हम एंड पे इकट्ठा लिख दें, तो इसको हम इसकी कैप्शन को खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी कैप्शन खत्म कर देंगे, बिल्कुल मैं पहले की खत्म कर रहा हूँ, उसके साथ ये आ जाएगा, दूसरे के साथ उसकी जो भी कैप्शन है वो लिखी आ जाएगी, तो हम कैप्शन यहाँ पे सब फिगर्स की खत्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये टोटल फिगर की कैप्शन लगानी है तो हम स्लैश कैप्शन सब फिगर एग्जाम्पल लिखा है तो वो टोटल फिगर की कैप्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दो की बजाय चार सब फिगर्स लगानी है, मैं फिलहाल इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको इंसर्ट पेस्ट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास चार सब फिगर्स
आ जाएंगी। इसको कंपाइल किया तो इस पेज पे हमारे पास चार सब फिगर्स ए बी, जैसा से यहाँ पे शो किया गया ए बी सी डी, तो मल्टीपल फिगर्स हमारे पास इस तरह से हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि तीन सब फिगर्स एक ही लाइन पे आ जाएं, तो उसके लिए मैं अभी तीन फिगर्स इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं। तीन सब फिगर्स हैं और इसके बाद इसका मैं कर देता हूं फिगर फाइव। तो टोटल पेज की वेट है हमारे पास 100, तो इसको मैं 0.33 कर देता हूं। पहले इमेज का साइज, दूसरे का भी 0.3 और तीसरे का भी 0.3, तो ये जो है हमारे पास पिक्चर्स जो हैं, ये सब फिगर्स जो हैं विद इन अ सिंगल हमारे पास वो शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इमेज को मल्टीपल मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका साइज देके कि किस तरह से हमने अपने रिजल्ट्स को शो करना है। आप ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिजल्ट्स को शो करते हैं, जिस कैसे आपके रिजल्ट्स विजिबल। इसी तरह से बाज़ूकात मैं इसको बाज़ूकात स्टूडेंट्स को इस तरह से होता है कि आप थीसिस में या रिसर्च पेपर में आपने इमेज को विद इन द टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल में इंसर्ट करना किस तरह से किया जा सकता है, सिमिलरली जिस तरह से हमने इंक्लूड ग्राफिक्स का टैग यूज किया है या कमांड यूज की है, तो हम इस यहाँ पे भी इंक्लूड ग्राफिक्स के कमांड यूज कर सकते हैं विद इन अ टेबल एनवायरनमेंट, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे टेबल का एनवायरनमेंट यूज किया है, उसकी कैप्शन दी गई है, उसको लेबल दिया गया है। सिमिलरली सेंटरिंग है कि टेबल को सेंटर करना है या नहीं, जिस तरह से पहले हमने सेंटरिंग की कमांड यूज की थी, तो यूज करके यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम शो किए गए हैं। तो पहला कॉलम है फिगर में सीरियल नंबर और यहाँ पे हमने फिगर को शो किया है कि विद इन द टेक्स्ट टेबल के सेल के अंदर हमने फिगर इंक्लूड ग्राफिक्स का टैग यूज किया है और उसको यूज करते हुए हम इसको टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह फिगर को हम स्पैन कर सकते हैं टू कॉलम्स पे या पूरे पेज पे, तो वेब पेज की वेट पे, तो हम यहाँ पे टेबल के साथ भी स्टारे का यूज करेंगे, तो वो टेबल जो है पूरे पेज पे उसकी वेट के लिहाज से स्पैन कर देगा। आप इसकी वेट या हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि फिगर्स को कैसे टेबल के हम यूज कर सकते हैं लेटेक्स में, सिंगल इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं, सिंगल इमेज को हम मल्टीपल कॉलम पे किस तरह से स्पैन कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखा सब फिगर्स क्या हैं, सब फिगर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा है कि फिगर्स को हम टेबल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं।